अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई को कौम और अफवाज की कुर्बानियों का समर्थ करार देते हुए कहा है कि दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग कर दी गई है, जिनका पीछा आखिरी हद तक किया जाएगा। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि आज से 3 साल पहले तक कराची से लेकर फाटा तक दहशतगर्दों का राज था, जिनके जुल्म और बर्बरियत से कोई भी महफूज नहीं था। लेकिन कराची ऑपरेशन और फिर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म ने सूरतेहाल को मुकम्मल ही यकसर तब्दील कर दिया। मगर अफसोसनाक बात यह है कि शहर कायद की रोशनियां लौटाने वाले रेंजर्स फोर्स 19 जुलाई से खसूसी इख्तियारात से महरूम है, क्योंकि बड़े शाह के बाद अब छोटे शाह ने भी अभी तक इनकी तौसी में कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार कहते हैं कि रेंजर्स इख्तियारात की तौसी को हमेशा मतनाज़े बना दिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों पीपल्स पार्टी कराची में अमन के लिए रेंजर्स की कार्रवाइयों और कुर्बानियों को मानने से इनकारी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल को कायम अली शाह की पॉलिसियों का कारनामा करार दिया है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने तो ये कह दिया कि कराची का अमन का जो जितना भी क्रेडिट है ये रेंजर्स के बजाय पुलिस को देता हूँ। दूसरी जानब जब मुराद अली शाह वजारत आला का हलफ उठाने के बाद पहली बार मजार कायद पहुंचे तो वहां उन्होंने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो के मजार पर दुआ मांगते हमें नजर आए। तो क्या सिंध हुकूमत बानी पाकिस्तान को भी इनका क्रेडिट देने को तैयार नहीं? क्या खुद को अवामी हुकूमत कहलाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के जज्बात और उमंगों की तर्जमानी करने में नाकाम हो चुकी है? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि भारतीय वजीर दाखला राजनाथ सिंह 3 अगस्त को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जहां वो सार्क कॉन्फ्रेंस में इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वजीर दाखला एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं जब सब जानते हैं कि कश्मीर में भारतीय मजालिम की वजह से पाक भारत तालुकात कशीदा हैं। पाकिस्तान हुर्रियत पसंद बुरहान वानी की शहादत और इसके नतीजे में होने वाले मुजाहरों में 60 से ज्यादा बेगुना कश्मीरियों की शहादत पर सरापा एहतजाज है, और आलमी सतह पर भारतीय मजालिम का मामला भी उठाया जा रहा है। आज इस हवाले से जमात इस्लामी ने भी लाहौर में एक रैली का अहतमाम किया। जवाबन भारत इल्ज़ाम ये लगाता है कि पाकिस्तान उसके अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहा है और वो कश्मीर पर मुजाकरात करने से भी इनकारी है। सवाल ये है कि क्या सार्क का प्लेटफॉर्म पाक भारत तालुकात की बेहतरी में कोई किरदार अदा कर सकता है? क्या भारतीय वजीर दाखला का पाकिस्तान आना दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलाने में मददगार साबित होगा? और क्या चौधरी निसार अपने भारतीय हमनसब से अलहदगी में भी कोई मुलाकात करेंगे? गो के भारत पहले ही ये कह रहा है कि अभी तक ऐसी किसी भी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे कराची से जफर हिलाली साहब ज्वाइन करें, इस्लामाबाद स्टूडियो से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध के सूबाई वजीर जाम खान शोरो साहब। में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि कायम अली शाह इनकी काबीना के वज़रा और अस्करी इदारों के दरमियान एतमाद का फुकदान रहा है, और ये बात भी सब जानते हैं कि कराची में अम जो है वो रेंजर्स की वजह से आया है, और हमने देखा कि जब मुराद अली शाह साहब आए रेंजर्स के इख्तियारात का मसला चल रहा था जो अभी तक हल नहीं हुआ। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि कराची में जो अम है इसका क्रेडिट मैं पुलिस को देता हूँ। मुराद अली शाह ये साहब ये क्रेडिट दे रहे हैं कायम अली शाह साहब को। तो अगर नए वजीर आला साहब भी रेंजर्स की कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, उनकी काविशों का एतराफ़ नहीं करेंगे, उनकी कोशिशों का एतराफ़ नहीं करेंगे, तो कैसे मान लिया जाए कि उनकी पॉलिसीज़ में भी कोई तब्दीली आएगी? पहले बात तो यह है जी कि अगर कायम अली शाह इतना कामयाब था और पाकिस्तान और कराची को इतना अमन दिया तो उसको निकाला क्यों? भाई कोई सक्सेसफुल आदमी है तो आप निकाले क्यों उसको? और एक और चीज पूछें कि भाई 8 साल तक था, क्या आखिरी साल उसने ठहरा ये अमन लाने के लिए? 7-8 साल क्या कर रहा था? बात असल ये है कि ये लोग जो है मुझे समझ नहीं आ रही है, ये अपने आप को किस तरीके से फुसलाते हैं। They lie to themselves. अभी आप बात सोचिए, जब वो कायम अली शाह साहब थे, क्या आधा कराची, सुराब गोट, मंगो पीर, शेरपाव कॉलोनीज, ये तो सेंचुरी बन गए थे टेररिस्ट के। ये जो थे क्रिमिनल पॉलिटिकल एलिमेंट सेक्टेरियन ग्रुप्स और लश्कर्स और टीटीपी, ये तो वो एक ऑर्जी ऑफ वायलेंस था। हम वी लिव थ्रू दैट। क्या इनको वो नजर नहीं आया?
और मैं आपको कहना चाहता हूं, लियारी में इनके पेट्रोनेज में, इनके पार्टी के पेट्रोनेज ने गैंग्स बने थे, नहीं बने थे, दे मेड कराची अनबल जो लियारी के गैंग्स थे, इनका पेट्रोनेज नहीं था। मिर्जा की बात सुने, वो जो था होम मिनिस्टर, अब लंदन में उधर भागा हुआ है, उसकी बात सुने, वो क्या कह रहा था रिगार्डिंग द पेट्रोनेज, द पॉलिटिकल पेट्रोनेज दैट द लियारी गैंग्स हैव। अगर ज़र्ब आज़म नहीं होता, अगर उन टेररिस्ट ग्रुप्स की रूट से वो इलिमिनेट नहीं होते, तो मैं आपको कहता हूं रेंजर्स भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये कहना कि आर्मी ने कुछ नहीं किया और ये सब सिंध पुलिस और कायम अली शाह का काम है, आई मीन कितने आप अपने आप को झूठ बोल सकते हैं। सही, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वही सवाल आपसे, जब मुराद अली शाह साहब ही ये सारा क्रेडिट देंगे कायम अली शाह साहब को, तो कैसे सोच लिया जाए कि उनकी पॉलिसीज तब्दील होंगी और पॉलिसीज तब्दील होने की वजह से कराची में अमन कायम होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया बीबी, सबसे पहले तो मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का लोग जो झंडा जलाते हैं, जो पाकिस्तान के बानी के मज़ार के ऊपर जाके फातिहा के लिए हाथ नहीं उठा सकते, इस पर मैं बाद में पीछे फुटेज भी दिखाऊंगी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले मैं फुटेज वो जरूर दिखाऊंगी, आप पहले इस पर कमेंट कर दीजिए कि पॉलिसीज कैसे तब्दील होंगी मुराद अली शाह साहब की। देखिए, मुराद अली शाह साहब जो हैं वो तो बिल्कुल एक अलग बात उन्होंने कर दी। अगर उन्होंने रेंजर्स के मुतल्लिक इतना ही उन्होंने जो उससे नाकामी थी और सारा क्रेडिट पुलिस को जा रहा था, तो फिर उन्होंने रेंजर्स को दावत ही क्यों दी थी और क्यों उन्होंने जो है वो 3 साल से रेंजर्स को वहाँ बिठाया हुआ था और तमाम तर इख्तियारात। असल मसला ये है कि जब कायम अली शाह साहब रेंजर्स के तौसी करना चाहते थे इख्तियारात को, तो मामला जो है वो वहाँ चला गया दुबई के अंदर। और हम तो ये जानते हैं कि असल जो स्ट्रिंग्स हैं वो तो जरदारी साहब पुल कर रहे हैं। बिलावल साहब के ऊपर तो नाम आ गया, 3-4 उन्होंने अपने मुशीर रखवा दिए। ये बात ठीक है कि कायम अली शाह साहब के ऊपर करप्शन के उस तरह के इल्ज़ाम नहीं हैं, लेकिन बाकी जो मुराद साहब हैं इनके तो मालूम है सबको कि अगर 1 अरब रुपए का इनके पास चेक आता था तो 40% काट के जो है वो 60% जो है वो आवाम को दे दिए जाते थे। तो ये करप्शन की बात करने वाले वो लोग करें जिन्होंने ये सारे जितने सौराब गोट, लियारी और दीगर जो गैंग वॉर्स और वो फिर जो नेटो के कंटेनर्स गायब हो गए और वो जो लोगों की तड़पती लाशें जो सड़कों के ऊपर मौजूद थीं और वो 12 मई के वाकयात और वो दीगर जितने कराची के अंदर भत्ताखोरी के वाकयात, 4 अरब रुपए के भत्ताखोरी जो है वो रोज़ाना की वहाँ से निकल रही थी, तो ये कायम अली शाह साहब की मौजूदगी के अंदर जो पुलिस की कामयाबियाँ हैं, मैं उनको गिनवाऊँ या रेंजर्स की नाकामियाँ गिनवाऊँ? रेंजर्स ने तो कामयाबियाँ हासिल की। रेंजर्स के मामले के ऊपर तो यह है कि सड़क के कोने कोने में कराची के अंदर जनरल राहील शरीफ साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, वहाँ कायम अली शाह साहब की तस्वीरें क्यों नहीं लगी? ये आवाम जो है ये सबसे बड़ी जमहूर की आवाज़ होती है और जमहूरियत इस टाइम पे जो है वो आवाज यही दे रही है कि रेंजर्स ने कुछ काम करके दिखाया। अगर पुलिस को आज लगा दे तो पुलिस तो पूरी की पूरी पॉलिटिसाइज है और तमाम किसी न किसी जो है उनके ऊपर किसी का हाथ है। कभी किसी के बाथरूम से जो है वो 4 अरब रुपए बरामद हो जाते हैं, वो दुबई भाग जाते हैं। आजकल ये तरीका कार बना लिया है, वतीरा बन गया है कि जो आता है वो दुबई भाग जाता है, पाकिस्तान का पैसा दुबई से। दुबई का जिक्र किया है, दुबई का जिक्र किया जफरी लाली साहब, ये बात समझ नहीं आ रही। मुराद अली शाह साहब तो ये तासुर खत्म करने निकले गए थे कि मैं ये तासुर खत्म करूंगा कि सिंध की जो हुकूमत है वो दुबई से चलती है, खुद हलफ उठाने के बाद वो दुबई चले गए, ये तासुर तो और मजबूत हो गया है। हाँ बिल्कुल, आधा दिन नहीं गुजरा शादिया, आधा दिन नहीं गुजरा हलफ उठाने के समझ आ जाए कि फौरन दुबई पहुंचो। और वो 40 गाड़ियों के मोटरगेट के साथ गया होगा एयरपोर्ट, जैसे 40 गाड़ियों के मोटरगेट के साथ पहले घुमा और अभी कह रहा था कि मैं कोई मोटरगेट नहीं लूंगा। देखिए इसकी कैबिनेट देखिए, आप देखेंगे इट्स अ रोग्स गैलरी। देखिए किन किन को आना है, वो सियाल साहब वापस आ गए, खुदा के लिए भाई सियाल साहब तो इन द मिडल ऑफ अ मेजर स्कैंडल वो वापस आ गए। और एक और साहब जो आए हैं जो बिलावल हाउस के एक्सपेंसेस वो करते हैं, पूरा बिलावल हाउस का एक्सटेंसिव उनकी जिम्मेदारी है और उनको भी मिनिस्टर बनाया है और वो सिंध के पूरे वो शराब के जो दुकानें हैं उनके नाम पे है। ये कौन नहीं जानता, ये बच्चा जानता है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक ईमानदार आदमी मिसाल के तौर पर बजरानी, उस बेचारे को क्यों नहीं लाए?
देखिए बात है, इट इज नॉट ओनली द पीपल यू ब्रिंग इन, मगर जिनको आप नहीं लाए पीपल जज यू अकॉर्डिंग टू दैट। अब बजरानी शायद एक ईमानदार आदमी, उसको तो नाम ही नहीं। और इनको देखिए, ये क्या डेमोक्रेट है और कितना कंसर्न है इनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। मैंने अभी टीवी देखा है जिसमें हस्पताल जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें मेडिसिन नहीं है, और जो गर्ल्स कॉलेज है उसका छत है, 8 साल से छत नहीं गया है। माफ करिए, ये जो कायम अली शाह था, मैं कहता हूं कि ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, हालांकि ही वॉज यूज फॉर डिसऑनेस्ट पर्पसेस। ये तो कुछ अजीब सी चीज है। और अब देखेंगे आप, ऐसा टाइम बस गुजरता है। और बाद में आप अगर पूछेंगे कि वो जो कायदे आजम के मजार पे इनकी क्या हरकत थी, उस पे भी मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जब हम वापस फुटेज प्ले करेंगे, वो उस फुटेज में मुराद अली शाह साहब जुल्फिकार अली भुट्टो के मजार पर भी जाते हैं और कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह साहब के मजार पर भी जाते हैं। उस फुटेज में डिफरेंस क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी, मुराद अली शाह साहब की जो मजार पे वो गए, कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह के मजार पे और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के मजार पे। उमर प्लीज वो फुटेज प्ले कीजिए। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि गड़ी खुदा बख्श में भी हाजिरी दी है मुराद अली शाह साहब ने और कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह के मजार पर भी हाजिरी दी है। इस पर डिफरेंस क्या है, ये मैं कमेंट अपने मेहमानों से ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हमीद गुल साहब, पहले आपसे मैं कमेंट लेना चाहती हूँ इसका, अब्दुल्ला साहब। जी, मैं आपसे गुजारिश ये करता था कि पाकिस्तान का जो लोग झंडा जलाते हैं और जो बानी पाकिस्तान के मज़ार के ऊपर, जब उनके दाएं बाएं जो मौजूद फ़ौजी अफसरान हैं, नेवी के यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, उनके दीगर जो अहलकार हैं, वो तमाम हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, तो ये पहली बात है कि एक बहैसियत मुसलमान और उनके अपने वालिद साहब जो है वो क्या करते रहते हैं, क्या वो मज़ार कायद के ऊपर हाथ उठा के दुआ नहीं करते? तो पहले मुराद साहब ये बता दें कि वो अपने वालिद से ही मुनर्रफ हो गए हैं, पाकिस्तान के बानी से तो वो मुनर्रफ थे ही, लेकिन वो क्या अमेरिका से यही तरबियत हासिल करके आए हैं? और दूसरी बात यह है कि क्या वो मुसलमान के जो तरीके हैं कि फातिहा खानी का, वो भी भूल गए हैं? तो उसका वाज़े सबूत आपको नज़र आता है कि गड़ी खुदा बख्श के अंदर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार के ऊपर जो है फातिहा खानी कर रहे हैं। शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी का मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सबूत नहीं मिलेगा। असल में इनको लाया गया है एक मकसद के लिए, ये जो है डिफाइंस के मोड में आए हैं, क्योंकि कायम अली शाह साहब जो थे वो डिफाइंस के उस मोड के अंदर नहीं थे जिसके लिए उनको एक ताज़ा दम घोड़े की ज़रूरत है। और गुड और बैड कॉप की पॉलिसी अपनाई हुई है। जरदारी साहब वहाँ बैठ के दुबई में, उन्होंने बड़े वाजह तरीके से कह दिया है कि जी रेंजर्स के लिए बात करेंगे और उनको हम इख्तियार देंगे। दूसरी तरफ मुराद अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ कायदे आज़म के मज़ार के ऊपर ये नहायत नाज़ेबा और मेरे ख्याल में गैर इखलाकी और कौम की जो तर्जुमानी, बल्कि जो उनके दिलों की दिल आज़ारी की गई है, मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के हजूर भी और पाकिस्तानी कौम के सामने भी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिसी के जो है वो अंदर जाना चाहते हैं और वो सिंध को जो है कॉन्फ्लिक्ट के जरिए जो है रेज करना चाहते हैं। ये वही लोग करते हैं जब वो ग्राउंड के ऊपर सिफर हो जाते हैं और ग्राउंड के ऊपर उनको पब्लिक सपोर्ट जो है खत्म हो जाती है। सिंध के अंदर जो क्राइम रेट आप देखें और जो थरपारकर के अंदर मौत का रक्स जो है वो जारी है, 8 साल की कायम अली शाह साहब की हुकूमत ने जो चांद चढ़ाए हैं वो हमने भी देखे हैं और आपने भी देखे हैं और इस अवाम ने भी देखे हैं। दूसरी तरफ जो वहां रक्स और सरूर की महफिलें जो हैं वो यूथ फेस्टिवल के नाम पर और सिंध फेस्टिवल के नाम पर हुई और उस पर अरब हा रुपया लग गया, आज वहां लोगों को दवाइयां मुयसर नहीं है, तालीम के लिए इदारे मौजूद नहीं है, जो आपके किसान हैं उनके लिए जो है जिंदगी अजीरन होकर रह गई है, सड़कों का जाल जो है वो तबाह होकर रह गया है, यानी कि बेड़ा गर्क होकर रह गया है। सिंध के जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स के अंदर, पाकिस्तान के वर्स्ट सूबे के अंदर जो है सिंध को जो है वो उन्होंने बताया है। ये वो सूबा है जिसकी अकेले कराची की इकोनॉमी 65% इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, ये उसको दिया जा रहा है। हमीद गुल साहब, मुराद अली शाह साहब की एक और बड़ी ख्वाहिश है, वो ये कहते हैं कि रेंजर्स की जगह जो है वो सिविलियन इदारे अब आकर कंट्रोल संभाल लें।
लेकिन उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन सिविलियन इदारों को अपने पैरों पर खड़ा कौन करेगा। इनकी तो पॉलिसीज रही है सियासी, इन्होंने तो इदारों को सियासी बना दिया है। पुलिस की सियासी भर्तियां अभी तक खत्म नहीं हो सकी हैं, तो ये सिविलियन इदारे अपने पाँव पर तो पहले खड़े हो जाएं, फिर ही कंट्रोल संभाल सकेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है मुराद अली शाह साहब, पहले आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जो रेंजर्स आपके वहाँ तैयन हैं उनको आप हटा दें, उसके बाद आपकी देखते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी कितने दिन चलती है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ये बात ढकी छुपी नहीं है। एयरपोर्टों के ऊपर से आप और सड़कों के ऊपर से जो है वो हटा दें। जमहूरियत क्या होती है? जमहूर की आवाज़ होती है। आज कराची के अवाम से पूछें, रेफरेंडम करा लें कि क्या कराची के अंदर से रेंजर्स को जाना चाहिए। लोग तो लाहौर में आने की बात कर रहे हैं, लोग तो जनूबी पंजाब के अंदर रेंजर्स के ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब से मैं ये चैलेंज कहता हूं कि आप अपनी प्रोटोकॉल की गाड़ियों में से जरा रेंजर्स की गाड़ियां जो है हटा लें और जो रूट के ऊपर आपके रेंजर्स खड़े होते हैं उनको हटा लें, आप देखेंगे कि कितने दिन आप सर्वाइव करते हैं। ठीक है, हिलाली साहब आपने फुटेज देखी, मैं चाहती हूं आप भी इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। देखिए शाजिया, ये एक ऑर्डिनरी इंसल्ट नहीं है, ये एक पब्लिक इंसल्ट, प्लान्ड पब्लिक इंसल्ट जो इन्होंने जरदारी साहब के हुक्म पे किया है। ये आए थे इस मतलब के साथ, और कल मैंने आपको कहा था, जो ये गुल साहब जो कह रहे हैं, मैंने कल कहा था आपको कि ये आए हैं विद अ व्यू टू मार्टिरडम, शहीद होने के लिए। ये चाहते हैं कि निकाले जाएं, और ये समझते हैं ये इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनकी शहादत, इस पॉलिटिकल शहादत इनको इलेक्शंस में बचाएगी, मगर इंशाल्लाह वो भी नहीं बचाएगी। शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। हाँ, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो इंसल्ट है इन्होंने किया है कायदे आजम को, ये प्लान्ड इंसल्ट है, बिकॉज एक आदमी ने नहीं, दो आदमी ने क्या है। और ये कहते हैं कि बेनजीर के फॉलोअर्स है, मैं बेनजीर का फॉलोअर हूं, मैं उसके लिए काम किया हूं। उस औरत ने अपनी जान दी पाकिस्तान के लिए, कभी कभी उसने ऐस कसम का इंसल्ट अपने फॉलोअर्स को कभी इजाजत नहीं देती करने के लिए। ये नहीं है उनके फॉलोअर्स, ये किसी और एजेंडा के फॉलोअर्स है। और ये जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट साइन है, और मैं समझता हूं कोई इंसान इसको भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तानी शुड रिमेंबर दिस। और ये जो हुआ है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ रिवोल्ट, और मैं आपको बता रहा हूं हमें निपटना पड़ेगा इनको। ठीक है, जाम खान शोरू साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जाम खान साहब। जाम खान साहब, अभी शायद आपने वो टीवी पे फुटेज देखी हुई हो जो मुराद अली साहब के मजार पर भी जाते हैं, कायदे आजम साहब के मजार पर भी जाते हैं, और एक जगह पर भुट्टो साहब के मजार पर हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं और दूसरी जगह वो हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। तो मेरे जो तज्जियाकार बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि मुराद अली साहब को माफी मांगनी चाहिए पूरी कौम से। जी देखें, ये आप किसी को भी ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो किस तरह होमेज पेश करते हैं, किस तरह वो अगर वो इस्लामी तरीके से कोई दुआ पढ़ते, तो मैं नहीं समझता कि आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। और मुराद अली शाह साहब मजार उनका था जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो मजार था, और भुट्टो साहब के मजार पर गए वो हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे। देखें, ये मुराद अली शाह साहब ज्यादा क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका अभी तक इस बात के ऊपर कोई भी वर्जन नहीं आया। ठीक है, मैं समझता हूँ शायद दुबई से वापस आ जाए, शायद दुबई में उनको पता चल गया हो, नहीं तो दुबई से वापस आकर शायद वो इस बात पर क्लैरिफाई कर लें। अच्छा ठीक है, 19 जुलाई से कराची में रेंजर्स इख्तियारात मुअत्तल हैं, गिरफ्तारियां 90 दिन तक मुजरिम को रखने, ये सारा प्रोसेस मुअत्तल है क्योंकि रेंजर्स के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। तो क्या मुराद अली शाह साहब ये रेंजर्स के इख्तियारात के बारे में इस हवाले से कोई फैसला होने वाला है जो हलफ उठाने के फौरन बाद ही दुबई चले गए, हालांकि वो तो इस तासुर को खत्म करना चाहते थे कि सिंध हुकूमत दुबई से चलती है। देखें, आज मुराद अली शाह साहब पूरी कैबिनेट गई थी, रेंजर्स के जो जवान जख्मी हुए हैं उनके पास उनकी इयादत की थी। मेरा ख्याल है मुराद अली शाह साहब चीफ सचिव ने ये भी बहुत क्लियर में कहा है कि एक दो दिन में ये भी कंसीजन क्लियर हो जाएगी इख्तियारात वाली, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई और ज्यादा इबहाम रहा है। तो रेंजर्स इख्तियारात का मसला हम कब तक देखेंगे हल हो जाएगा, क्या विफाक को जी आज मुराद अली शाह साहब ने यही मीडिया पर्सन को दोस्तों को बताया था कि एक दो दिन में ये भी मसला हल हो जाए। अच्छा, एक दो दिन तक जब वो दुबई से वापस आएंगे तो यकीनन मसला हल हो जाएगा। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए शाजिया, क्या ज़रूरत है हमें उनको वापस आने के लिए स्टेरना चाहिए? सेक्शन 149 कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल गवर्नमेंट को इजाजत देती है कि इंटरनल डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस को क्वेल करने के लिए जो भी स्टेप ले, और अगर लोगों को फिर भी शक और शुबा है एक रेफरेंस कर दें सुप्रीम कोर्ट को। इनके इनको इनसे क्या इनसे आप ये वापस नहीं, आके सार, आपको क्या कहेंगे? इस सारी सूरत हाल के बाद जो कराची ऑपरेशन मुतासर हो रहा है, फिर इसकी जिम्मेदारी तो विफाक को लेनी चाहिए, लेनी चाहिए बिल्कुल इमीडिएटली, और एक्ट करना चाहिए और कुछ ऑपरेशन को इम्पैक्ट नहीं होने देना चाहिए। दो दफे तो रेंजर्स के जनरल ने कह दिया है, निसार अली ने भी कहा है कि 147, 148, 149 कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत है। मैंने खुद उसको आज पढ़ के आया हूं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये हम लोग पता नहीं इस तरीके से अगर वैसिलेशन और हेजिटेशन होगा जब मुल्क की यूनिटी और सलामती के बारे में, तो माफ करिए मैं नहीं समझता इस मुल्क का फिर ज्यादा होप रहेगा। ठीक है जाम खान शोरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेने वापस आते हैं, छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह 3 अगस्त को सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये वो वक्त है जब भारत जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, उसका मुजाहरा कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में नहते जवानों को शहीद किया जा रहा है। अब इस तनाजुर में इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? क्या ये दौरा पाकिस्तान और भारत दरमियान जो इस टाइम टेंशन चल रही है इसको कम कर सकेगा? ये प्लेटफॉर्म दोनों ममालिक के लिए बेहतर साबित हो सकेगा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि ये सार्क जो ममालिक हैं इसके अंदर अपने जो रीजनल इश्यूज हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता। जो आपस के ज़ाती तनाज़ात होते हैं ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए है, इसलिए इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसको नरेट किया जाए। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने, पता नहीं उनको कैसे ये खबर आई कि जो है इसके अंदर मुलाकात होगी हमारे वज़ीर दाखिला से उनकी, जबकि उनके जो वकाश साहब हैं और हिंदुस्तान के वजारत खारजा के, उन्होंने तो बाकायदा इसमें कह दिया कि पाकिस्तान ये गलत बयानी से काम कर रहा है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। मालूम नहीं कि पाकिस्तान क्यों इतना जो है वो अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उधर श्रीनगर के अंदर और कश्मीर के अंदर आग जल रही है। आपका मतलब है पाकिस्तान मुजाकरात करना चाहता है और भारत इसे इनकारी है? आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जबरदस्ती उनसे बात जी, हमेशा की तरह पाकिस्तान मुजाकरात करना चाहता है और हिंदुस्तान जो है वो मुजाकरात से भागता है। देखिए बात सिर्फ सी है, साफ सी है कि क्या बात करेंगे, कुलभूषण यादव के ऊपर बात करेंगे कि वो भारतीय एजेंट था या नहीं था और उनके नेवी के अंदर जो है वो था या नहीं था, क्या वो जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर जो सबूत हैं, क्या दूसरी बात यह है कि वहाँ तोरखम के पीछे किसका हाथ था, क्या जो अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ कर रहा है हिंदुस्तान और खुलेआम कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर बात करेंगे, या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे? उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है शाजिया साहिबा, इसलिए वो सुषमा स्वराज पहले ही कह चुकी हैं अटूट अंग, ऐसे मामले पे उनसे किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। होना यह चाहिए कि अब उनको ये बताना चाहिए कि एयरपोर्ट से उनको सार्क कॉन्फ्रेंस लाएं और सार्क कॉन्फ्रेंस से उनको खाना खिलाएं और उनको वापस हिंदुस्तान भेज दें। इसके अलावा और कोई पॉलिसी नहीं है, बहुत हो गई माजरत खाना पॉलिसी, अपीजमेंट की पॉलिसी बहुत हो गई। अब वक्त है कि पाकिस्तान अपने पूरे कद से खड़ा हो। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम इंडिया सेंट्रिक हैं, हमने हिंदुस्तान के लिए जो है वो न्यूक्लियर बम बनाया था, किसी और मुल्क के लिए नहीं बनाया था। हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो बाकायदा बयान दे चुके हैं कि यस आई एम इंडिया सेंट्रिक और हिंदुस्तान से ही हमें थ्रेट है। तो हम पता नहीं क्यों हिंदुस्तान के लिए इतने पीछे जा रहे हैं। हमारी हुकूमत कभी उनको आमों के तोहफे भेजती है, कभी रायविंड पैलेस के अंदर बुलाया जाता है, कभी उनके साथ जो है वो मोहब्बत की पींगे बढ़ाई जाती हैं, वो जहर उगलते रहते हैं, हम उनको साड़ियों के तोहफे
بھیجتے رہتے ہیں، کبھی جو ہے وہ را کے چیف جو ہیں وہ ان کو بغیر اجازت جو ہے پاکستان میں بلا لیا جاتا ہے، بغیر ویزے کے وہ شخص جو ہے وہ یہاں پاکستان آیا، یہ اسی ڈیلیگیشن میں تھے جو میاں صاحب کے گھر میں جو ہے شادی کی دعوت اٹینڈ کی۔ میں اس کو پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں لیکن آج تک حکومت کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آج آپ کی وساطت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لسٹ فراہم کر دی جائے، وہ لوگ جو وزیر اعظم صاحب کی جو نواسی کی شادی کے اوپر تشریف لائے تھے ان میں آپ کو را کے چیف کا نام مل جائے گا، پھر کیا بنے گا؟ تو یہ کیوں لوگ آئے، کس مقصد کے لیے آئے اور کیا جو ان کے عزائم تھے؟ دوسری طرف کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک وہ پیغام سوچ رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے ایک مثبت جو ہے اور محبت کا پیغام آئے گا۔ پاکستان دیکھیے یونائیٹڈ نیشن کے قراردادوں کے مطابق پاکستان بڑا واضح ان کے فریڈم فائٹرز ہیں، وہ آرٹیکل 4A یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق آپ اگر ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ اخلاق کی زبانی کلامی مدد نہیں ہونی چاہیے، ان کی باقاعدہ عسکری مدد ہونی چاہیے، ان کی باقاعدہ پیسے سے مدد ہونی چاہیے، کیونکہ آپ یونائیٹڈ نیشن کے خلاف نہیں جا رہے۔ ایسے لوگوں کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے اور ان کو حق ہے یونائیٹڈ نیشن کے مطابق کہ وہ اپنے ہتھیار اٹھا سکیں۔ آج اگر پاکستان نے ان کی مدد نہ کی تو یونائیٹڈ نیشن کی فورسز جو ہیں وہ آ کے پیس کیپنگ مشن پہ بیٹھ جائیں گی اور پھر نہ چین اس سے جو ہے وہ دور رہے گا، نہ ہندوستان محفوظ رہ سکے گا، نہ پاکستان اور نہ روس محفوظ رہ سکے گا۔ ٹھیک ہے ظفر الہی صاحب، کرکٹ ڈپلومیسی ہو، مینگو ڈپلومیسی ہو، ساڑیوں کے تحائف کا لین دین ہو، جواب میں بھارت نے ہمیشہ ہی زہر ہی اگلا ہے۔ جو بات عبداللہ صاحب کہہ رہے تو پھر کیوں ہم مذاکرات کرنے کے لیے بچھے جاتے ہیں، کیوں ہم یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیوں ہم یہ خبر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے؟ ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے آپ کا، اور واقعی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور واقعی ایسے کانفرنس میں صرف ریجنل میٹرز ڈسکس ہوتے اور اگر ہم چپ ہوتے تو وہ جب پوچھتا ہی نہیں کہ وہ ملنا چاہتا ہے چودھری نثار کو بائی لیٹرل افیئرز ڈسکس کرنے کے لیے، یا اگر ہمیں بہت ضرورت تھی اس سے بائی لیٹرل افیئرز کے بارے میں بات کرنا تو ہم چپکے سے پوچھ لیتے، کسی کو تھرو کہہ دیتے کہ بھائی ملاقات کا کیا چاند، وہ کہہ دیتے نہیں بھائی ہمارے پولیٹیکلی یہ ہمارے لیے ایسا وقت نہیں ہے، ہمارے ملک میں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی مدد کی ہے یہ وہ، اس لیے ہم نہیں بات مانے، کہ بالکل صحیح ہے، اٹ نیڈ ناٹ ہیو بین پبلک، مگر ہمارا فارن آفس یہ سب پتہ نہیں کس لوگوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے آج کل، ان کو تو کوئی ایسی ڈپلومیسی آتی نہیں ہے۔ مگر اب جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے شازیہ کہ ہم ضرور کچھ نہیں بات کریں گے، نہیں ملیں گے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو آنا نہیں تھا۔ دیکھیے بنگلہ دیش جو ہے وہ کٹ پٹلی ریجیم ہے، بنگلہ دیش بیسکلی انڈیا کا، وہ نہیں آئے، ان کا منسٹر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ سیدھی سادھی بات کی، اس نے کہا کہ ہمارا ریلیشن شپ پاکستان سے اتنا خراب ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا، پولیٹیکلی ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے، اور وہ نہیں آیا۔ اور واقعی اگر آپ یہ کوآپریشن بڑھانا چاہتے ہیں ساک کا، تو میں ساک کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ منسٹرز جو آتے جاتے ہیں ان کو ویسے ہی کچھ نہیں پتا، زیادہ تر آفیشلز کو پتا ہے، اور اگر ایک ٹھیک سا ایجنڈا ہوتا تو آفیشلز وہ ایجنڈا پہ کام کرتے، بعد میں جا کے منسٹرز کی اپروول لے لیتے۔ مگر دیکھیے میں نے آپ کو میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نثار صاحب کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اب جو اس نے کہہ دیا میں ہرگز اس کو نہیں ملوں گا، تو ایسا واقعہ آئے گا جو نثار صاحب کو ایز ہوسٹ اس سے ملنا پڑے گا اور ہاتھ شیک کرنا پڑے گا، تو شاید وہ اپنا ناک پکڑ کے اگر ہاتھ شیک کر دیں تو وہ محسوس ہو جائے گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ملنا پڑتا ہے، مگر کیا کریں مجھے بھی ہاتھ شیک کرنا پڑتا ہے، میں مذاق کر رہا ہوں۔ مگر دیکھیے ہندوستان کی پالیسی پہلے دن سے نواز شریف کو بلایا، وہ اس کو انسلٹ کیا، ان کا فارن سیکرٹری ان کو انسلٹ کیا، اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ شروع کر دیا، ان کا اناؤنسمنٹ تھا ٹو انفلکٹ پین آن پاکستان، پھر کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کشمیر سے ان کا تمہارا نہیں پھر تمہارا امبیسڈر کشمیر میں کسی کو مل گیا ہے، ہمارے لوگوں کو ملا ہے جو ہر وقت ہوتا تھا، اس لیے ہم کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں کریں گے، اس دیکھیے نہیں کریں، انہوں نے وہ کینسل کر دیا۔ پھر وہ شہریار صاحب گئے کہو یار کم سے کم کرکٹ کھیلو، انہوں نے کہا نہیں ہم کرکٹ بھی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، پھر پٹھان کوٹ کا واقعہ آیا، بار بار انہوں نے آپ کو سگنل کیا ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم امن میں کوئی خاص ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا پہلے دن اسی پروگرام پہ جب موڈی آیا تھا کہ اٹ ول بی اے مائنر میریکل
कि अगर इनके 5 साल में जंग ना हुआ, अब मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, मेरे ख्याल में इट विल बी अ मेजर मिरेकल अगर इन जो बाकी साल हैं इनमें हमारा और उनका जंग नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कश्मीर के मसले पर बात किए बगैर पाकिस्तान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, लेकिन कश्मीर के मसले पर भारत बात नहीं करना चाहता। इस तरह तो हम ये समझें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। शाजिया, शायद एक दफ़े पहले भी शायद मैंने कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मिसाइल हैं जो नहीं हो सकते, वाकई नहीं हो सकते। ये जो वक्त है, टाइम है, ये गलत टाइम है, गलत वक्त है, हमारा मूड मुख्तलिफ है, वर्ल्ड सिचुएशन ऐसा है, हिंदुस्तान को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि वो बात नहीं कर रहा। ऐसा कौन सा वक्त है कि भारत मुज़ाकरात के लिए कायल हो सकता है? अगर ये वक्त गलत है तो सही टाइम कौन सा है? नहीं, अभी किधर वो पेंटागन जो भी कहें, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट तो ये नहीं कह सकता, कहता है पेंटागन अगर कहें, स्टेट डिपार्टमेंट उन पे प्रेशर नहीं लाएगा। ओबामा जो है उसका की एलिमेंट ऑफ हिज पॉलिसी है कि मैंने हिंदुस्तान को अपना एलाय और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है। अब आप कह रहे हैं कि वो उसको प्रेशर डाल के हिंदुस्तान पे वो पार्टनरशिप जो है उसको वो क्या कहते हैं, मुझे ब्रेक लेने दें तो क्या फिर इंतजार किया जाए जो नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं अमरीका में, तो इसलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, रिपब्लिकन वहां पर आ जाते हैं, डेमोक्रेट्स की हुकूमत नहीं रहती, तो क्या इसके बाद फिर भारत के लिए कश्मीर की जो पॉलिसीज हैं पेंटागन के कहने पर बदल सकती हैं? एक छोटे से वक्त के बाद। हिलाली साहब, आपसे ये सवाल पूछती हूँ, अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात और इस खित्ते में होने वाली तब्दीलियां, ये नतायज जो उनके होंगे कितने इंपॉर्टेंट होंगे इस खित्ते के लिए? ये इंतखाब किधर के? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इट इज अ सी चेंज अमेरिका पे आ जाएगा अगर ट्रंप जीता, और अगर हिलरी जीती तो ये पॉलिसीज कंटिन्यू ज़्यादातर होंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखें क्या होता है। सही, तर्जुमान वजारत खारजा हमारे साथ नफीस ज़करिया साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़करिया साहब। ज़करिया साहब, बताएगा राजनाथ सिंह वजीर दाखला, भारतीय वजीर दाखला 3 अगस्त को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं सार कॉन्फ्रेंस के लिए, क्या कोई मुलाकातें तय हैं उनकी पाकिस्तानी हुकाम के साथ? पहली चीज तो ये है कि मेरे ख्याल में उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया था कि अभी कोई ऐसी मुलाकात जो है नहीं टेबल पर है, और मैंने भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है इस वक्त। लेकिन पहले ये खबर आई कि पाकिस्तानी हुकाम इस मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, और बता दिया गया कि उनके साथ मुलाकातें होंगी। मुझे नहीं पता कि आपके सोर्स क्या थी, लेकिन मेरी तो एक हफ्ते पहले की ब्रीफिंग जो है उसके अंदर भी उन्होंने पूछा था, तो मैंने बताया था कि ऐसी कोई चीज़ जो है प्रपोजल नहीं है, अगर वो करेंगे तो फिर आगे चलेंगे। अगर ये मुलाकात होती है तो सरफहरिस्त एजेंडा आप समझ देंगे कश्मीर से ही शुरू होगा, कश्मीर पर ही बात होगी? देखिए, जब भी बात, पहली चीज़ तो ये कि अब जो कुछ भी बात हो रही है वो स्पेकुलेशन है। ये सार्क की मीटिंग है जिसके लिए ये लोग आ रहे हैं, और ये सारी सार्क की जो मीटिंग्स है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग अभी ये हो रही है, उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्रियल मीटिंग होंगी, दे ऑल लीड अप टू बेसिकली समिट जो नवंबर में हो रही है। ठीक है, असल ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़करिया साहब। अब सार कॉन्फ्रेंस में तो वो आएंगे, जो खित्ते की तब्दीलियां जिस तरह आपने भी बात की वो इस पर बात करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन कश्मीर का मसला जो चल रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत चल रहा है वहां पर, ये इस पर मुज़ाकरात के लिए भारत कैसे आमादा होगा, इस पर भारत को कैसे लाया जाए? देखिए, इसके लिए पाकिस्तान को अपनी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशंस जो है ना उनको लाना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान को ये बताना पड़ेगा कि कश्मीर उसके लिए कितना अहम है,
क्या इस्लाम आबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा की तरह ही पाकिस्तान के लिए अहम है या वो सेकंड प्रायोरिटी है? इस सवाल का जवाब अयूब खान से लेके आज तक की कोई क्यादत नहीं दे सकी, मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। दूसरी तरफ जो है वो आपकी यूनाइटेड नेशन के मामलात की बात है, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने एक लीगल टीम जो है वहाँ यूनाइटेड नेशन के अंदर उसको मुख्तस किया और उसका जिम्मेदारी थी और उनके ज़माने में 15 रेजोल्यूशन जो हैं कश्मीर के ऊपर पास हुए, लेकिन उसके बाद से वो लीगल टीम जो है आज तक किसी ने उसके ऊपर उस अंदाज़ में काम नहीं किया, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे दफ्तर खारजा को एक ख़ास फोकल पर्सन जो है वो अपॉइंट करना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जाके बात करे और कश्मीर के मामले को उजागर करे और हमारे सफारतकार जो हैं उनको भी बकायदा ब्रीफ करे, क्योंकि कश्मीर की जो हिस्ट्री है हमारे सफीरों को भी बड़ी माजरत के साथ कि वो नहीं मालूम, इस वजह से हमारा केस जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तीसरी चीज़ यह है कि OIC के अंदर ये मामला जो है वो लेके जाना चाहिए और पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खड़ा होना चाहिए, आज अमरीका को ये पैगाम देना चाहिए और भारत को भी ये पैगाम देना चाहिए कि ये जो कैज़ा 1000 और टैपी के जो आप ख्वाब देख रहे हैं, पाकिस्तान एक इंच गैस पाइपलाइन जो है यहां से गुजरने नहीं देगा और हिंदुस्तान जो है जो एनर्जी शॉर्टेज जिसको मौजूद है और बहुत ज्यादा है उसको एनर्जी शॉर्टफॉल है वो उसके लिए नाइटमेयर बन जाएगी ये बात। दूसरी बात जो हम कश्मीर के मामले से एक भारत का नुक्ता नज़र देखें कि भारत को वहाँ से पहले जो आज से कुछ साल पहले 60% जो कोल के ऊपर उनकी जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी वो 60% थी और आज वो हाइडल की वजह से कश्मीर के पानी को ऐड करने की वजह से वो 35% रह गई है, तो ऐसे मामले में ये जिसकी वजह से भारत की जो एनर्जी की कॉस्ट है वो हाफ होके रह गई है, ऐसे मामले पर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है आज तक कोई मामलात भारत के साथ लेके नहीं गए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, आपको याद है कि हमारे सिंतास मुहिदे के जो हमारे वो थे एक साहब वही भाग गए जमात अली शाह साहब और उसके बाद कोई पता ही नहीं है, ना कोई पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने उसकी परवाह की, जब पाकिस्तान बना था तो 5500 क्यूसिक जो फ्रेश वाटर था वो अवेलेबल था फीकस, लेकिन आज वो गिर के तकरीबन 1400 क्यूसिक पे आ गया और अगले 2-3 साल के बाद ये तकरीबन 750 क्यूसिक पे आ जाएगा जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए जिंदा रहना नामुमकिन है। तो ये बात जफर हिलाली साहब की बात सही है कि आने वाले दिनों में मैं जंग के बादल जो है मंडलाते देख रहा हूं और यही बात जो है दुनिया को बावर करानी है कि कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज। लेकिन अब्दुल्ला साहब, जंगे मसले का हल नहीं हुआ करती, बड़े बड़े मसले टेबल टॉक्स के जरिए हल होते हैं। जी यही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये आप डिटरेंस जो देखें, डिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिटरेंस एंड देन हैव अ डायलॉग, लेकिन आप जब पूरे कद के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब 70 साल से यही राग अलापा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में ये हो गया, भाई यूनाइटेड नेशन की तमाम रेजोल्यूशंस की तो वायलेशन हिंदुस्तान ने की, उन्होंने तिरंगा लहरा दिया, हमने तो रियासत के अंदर बकायदा उनकी, लेकिन इस मसले पर पहले भी तो जंगे हो चुकी, इस मसले पर अगर पहले जंगे मसला हल नहीं करवा सकी तो ये जंगे तो इस मसले का हल नहीं है, अगली जंग भी इस मसले का हल नहीं है। जी यकीनन मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप बताएं कि आप डिक्लेयर करें कि हम जंग की हद तक जा सकते हैं, यह मैं गुजारिश कर रहा हूं ताकि दुनिया जो है पाकिस्तान को सीरियस ले, वरना यही लगता है कि जी सिर्फ बातचीत होती रहती है, दरमियान में ट्रेड भी चलता रहता है, आप हिंदुस्तान का ट्रेड आलू प्याज की तिजारत बंद कर देना, आप उनको बता दें कि जो आपका सी पैक के बाद है, सी पैक से एक ट्रक को इजाजत दी जाएगी, हम भारत से अपना हाई कमिश्नर तो वापस बुला नहीं सके और आप कह रहे हैं कि हम जंग की धमकियां दें, इतना आगे बढ़कर एक कदम तो हम आगे बढ़ा नहीं सके। मेरी बहन यही तो मसला है शाजिया बीबी के, आपकी मैं यही तो कह रहा हूं कि गुजारिशात के हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक फैसला ही नहीं किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इज कश्मीर टू अस, जिस दिन वो ये फैसला कर लेंगे उस दिन वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब, देखिए कोई ऐसी इकोनॉमिक स्टेप हम नहीं ले सकते जो इंडिया को कंपेल करेगा और इंडिया नहीं ले सकती है हमें जो कंपेल हमें करेगा कि कश्मीर के मामले को छोड़ दें, और अगर इंडिया हमें ब्लॉकेट करेगा, अगर सैंक्शंस और ब्लॉकेट हमारे पे लगाएगा, हमारे सी पोर्ट्स को रोकेगा, तो फिर जंग होगा और फिर हिंदुस्तान जो है इट विल बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस।
देखिए मेरी बात ये नहीं है कि हम कश्मीर को नहीं प्रोपगेट करें, कश्मीर एक जबरदस्त कॉज है, एक मॉरली हमारे पास एक वंडरफुल कॉज है जिसको हमें वाकई प्रोपगेट करना चाहिए। और 40 साल में मैंने देखा है कि हमने उस कॉज को जिस तरीके से हम कर सकते हैं हमने नहीं किया। ये कश्मीर कमेटी तो एक बिल्कुल होक्स है और इधर होक्स पॉलिटिशियंस जो हैं वो पैसे कमाते हैं इससे। कहने की बात सिर्फ ये है यस कश्मीर कॉज को हमें प्रमोट करना है, मगर ठीक है साथ साथ शाजी और बिल्कुल आप सही करती हैं कि जो बगैर निगोशिएशन मामला हल नहीं होगा, मगर वो निगोशिएशन से मामला इसलिए नहीं हल होगा कि जब हम टेबल पे बैठते हैं या यूएन पे जाते हैं तो सरदार स्वरण सिंह जो उनका एक जमाने में फॉरेन मिनिस्टर था वो न्यूयॉर्क का टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ने लग गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्यों? कि वो हमें टाइम नहीं देता था हमें तकरीर करने के लिए, फिलीबस्टर एक किस्म की चीज। तो देखिए अब नहीं हो सकता, लेट अस रेकंसाइल। कुछ चीजें ऐसे हैं जो इस वक्त नहीं हो सकते तय। आप अपना प्रिंसिपल स्टैंड रखें, आप अपना प्रोपेगेट करें जो कॉज है वंडरफुल कॉज, और हिंदुस्तान वो अड़ा रहेगा जैसे वो है। कुछ होगा, अगर कुछ होगा कोई ब्रेक थ्रू होगा माने कोई सिचुएशन बदलेगा, वर्ल्ड सिचुएशन बदलेगा तो कुछ हो सकता है, मगर इस वक्त फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर नहीं होगा। और इंडिया जो है अपनी जोर और ताकत, आपका कहने का मतलब है कि साल में सिर्फ हम कश्मीर डे मनाते रहें और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते रहें, इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या करना चाहती हैं आप? या तो जाके सीधा जंग लड़ लें। ठीक है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहती है नहीं हो सकता। ठीक है बहुत शुक्रिया जफर इलाली साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।